तो हेलो एवरीवन, कम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, आज फिर से हम आ गए हैं एक नए बाइक लॉन्च के बारे में आप लोगों को जानकारी देने के लिए। तो हाँ गाइस, आपको थंबनेल में तो देखकर पता चल ही गया होगा कि मैं कौन से बाइक के बारे में बताने वाला हूँ। आप सोच रहे हो ये कौन सा बाइक है भाई, तो ये बाइक है TVS जिप पिलन आर, जो एक नया बाइक लॉन्च करने वाला है TVS ने। मतलब कब लॉन्च होगा सब कुछ बताएंगे, तो वीडियो तक जरूर देखना एंड वीडियो को लाइक कर दो अभी के अभी एंड कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसा लगा। सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देने के लिए, नए नए बाइक के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए। तो चलते जल्दी जल्दी वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड वीडियो के अंदर जरूर देखना। तो हाँ गाइस, ये जो बाइक है आपको एक मतलब क्रूजर टाइप फील देगा, एक मस्कुलर सा लुक देगा। तो आप लोग तो जानते हो TVS का कोई क्रूज़र बाइक नहीं है, तो ये एक TVS का पहला क्रूज़र बाइक होगा जब TVS लॉन्च करेगा। अब लॉन्च डेट की बात करो तो TVS ये बाइक को नवंबर तो शुरू हो रहा है अभी। तो ये बाइक आपको नवंबर के एंड तक या इसी साल के एंड तक या 2022 में जनवरी फरवरी तक मिल जाएगा। अब सोचने की बात ये है गाइस कि ये बाइक आपको इलेक्ट्रिक बाइक होगा या पेट्रोल बाइक होगा वो मुझे पता नहीं है, क्योंकि वो अभी TVS ने फाइनल नहीं किया। कि देख कर लग रहा है मतलब इलेक्ट्रिक, अब इलेक्ट्रिक भी हो सकता है, पेट्रोल बाइक भी हो सकता है, वो तो TVS जब लॉन्च करेगा या तो अनाउंस करेगा फिर मतलब क्या होगा वो तो तभी पता चलेगा। ये फाइनल है गाइस कि ये बाइक लॉन्च हो रहा है TVS की तरफ से, TVS जिप प्लेन आर, जो एक बहुत ही अमेजिंग लुक दे रहा है गाइस, आपको स्क्रीन पर आ रहा होगा। तो चलते हैं, पहले इस बाइक को आप लोगों को ध्यान से दिखा देते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो यही है गाइस TVS जिप प्लेन आर, जो एक बहुत ही बढ़िया एंगेट एक बड़ा बाइक का फील दे रहा है क्रूजर बाइक होने के बाद भी। एंड आप जस्ट इंजन को देखो गाइस, मतलब बहुत ही मतलब एक यूनिक इंजन बनाया है TVS ने ये रहा, एंड क्रूज़र बाइक है एंड बहुत ही अमेजिंग। एंड सामने का सस्पेंशन गोल्डन कलर का ये रहा एक मतलब थोड़ा फ्रंट से, बहुत ही मतलब मुझे बहुत ही बढ़िया लग रहा है। अब मतलब लॉन्च होने के बाद पता चलेगा ये बाइक कैसा है, क्या नहीं है, क्या प्रॉब्लम है, क्या सही है, कैसा टॉप स्पीड है, कैसा माइलेज है, सब तो मतलब लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा। ये रहा उसका फ्रंट टायर गाइस, आप लोग देखो ABS के साथ आता है एंड मतलब टायर का मतलब सॉरी एलोयल का साइज थोड़ा छोटा लग रहा है मुझे। अब लॉन्च होने के बाद देखना बाकी है कि कैसा करता है ये बाइक। एंड ये रहा कुछ इंजन गाइस, सबसे बढ़िया बात तो मुझे इसका इंजन लग रहा है, क्योंकि इसका इंजन थोड़ा यूनिक है। मतलब आप लोग जस्ट देखो यूनिक मतलब इंजन का जो स्टाइल है, डिज़ाइन है, आप लोग जस्ट देखो ये रहा बहुत ही अमेजिंग। एंड यहाँ पर ई बूस्ट भी लिखा है TVS का, जो इंजन बहुत ही अमेजिंग किया है सच में। अगर ये बाइक लॉन्च कर दिया इसी साल तो मतलब तबाही मच जाएगा गाइस, तबाही। एंड ये रहा इसका मतलब बैक टायर, जो रियर का टायर है, एंड पीछे का एलियल का साइज भी थोड़ा छोटा है। ठीक है, क्रूज़र बाइक है तो छोटा देना पड़ता है। एंड ये रहा कुछ सीट्स, एंड मुझे जितना लग रहा है गाइस ये सिंगल एक आदमी के लिए बेस्ट बाइक होगा, क्योंकि इससे मतलब पीछे पिलियन बैठने का जगह ही नहीं है। मतलब अगर बैठ भी जाए ना तो मतलब बहुत ही संभाल कर बैठना पड़ेगा। तो आप लोग तो जानते हैं हमारे बंदे मतलब हमारे इंडियन लड़के यही बाइक में तीन जन आराम से बैठ जाएगा। मतलब गाइस टैलेंट है, टैलेंट।
तो गाइज जो मैंने आपको दिखाया यही है TVS Zipline R, जो एक बहुत ही बढ़िया क्रूजर बाइक होगा TVS की तरफ से अगर इसी साल लॉन्च कर दिया। एंड आप तो जानते हो दो दिन ही हुआ है बजाज ने अपना पल्सर F250 N250 लॉन्च करा, वो मतलब कर दिया। अगर इसी साल ही TVS ने ये बाइक लॉन्च कर दिया गाइज मतलब तबाही मच जाएगा, क्योंकि ये बाइक अगर पेट्रोल में हुआ तो मतलब और भी बढ़िया होगा। एंड सच में एक बात बोलूँ तो ये बाइक अगर लॉन्च कर दिया 150 या 200 या 250 के अंदर, तो मुझे जितना लग रहा है, अब श्योर नहीं हूँ लेकिन जितना लग रहा है, ये बाइक लॉन्च होने के बाद बजाज एवेंजर 150 एंड 220 का सेल्स फिगर में थोड़ा मतलब घट सकता है। ये बाइक जो किया है TVS ने Zipline, ठीक है, अब तो लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा कि कैसा होगा सेल्स फिगर, क्योंकि आगे तो मतलब कुछ नहीं बोल सकते गाइस, क्योंकि सबने सोचा था कि बजाज पल्सर F250 N250 बहुत ही बढ़िया होगा, उतना खास नहीं है। अब भी इस मतलब ये Zipline R भी मतलब लॉन्च होने के बाद ही पता चलेगा क्या होगा क्या नहीं होगा। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मैंने कुछ डिटेल्स में आप लोगों को बताने के लिए ये वीडियो बनाया, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना एंड कमेंट में ज़रूर बताना क्या गलत बोला क्या सही बोला एंड वीडियो में कोई प्रॉब्लम आया होगा तो सब कुछ, आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो ज़रूर बताना। एंड इसी साल या 2022 में बहुत सारे बाइक स्कूटर लॉन्च होने वाला है गाइस, तो आपको अगर किसी और बाइक के या स्कूटर के बारे में वीडियो चाहिए तो कमेंट ज़रूर बताओ एंड बताना, आप लोग नहीं बताते तो मैं जितना हो सकता है सिर्फ उसी बाइक एंड स्कूटर के बारे में वीडियो बनाता हूँ। आप लोग बता दोगे तो भाई मुझे ये वीडियो चाहिए, इसी बाइक का वीडियो चाहिए, तो मैं कोशिश करूँगा उसी बाइक का वीडियो जल्द से जल्द आने के लिए। तो कमेंट ज़रूर बताओ गाइस कि आपको कौन सा बाइक का वीडियो चाहिए। तो ठीक है गाइस, मुलाकात नेक्स्ट वीडियो में, एंड टिल देन बाय एंड अच्छे से रहना। एंड ये बाइक आपको कैसा लगा कमेंट ज़रूर बताना। Zipline TVS Zipline R बहुत ही बढ़िया लुक है, तो बाय बाय एंड सब्सक्राइब कर दो अभी के अभी मेरे चैनल को। मैं ऐसे इंटरेस्टिंग एंड बनाए नए बाइक के रिलेटेड वीडियो लाता हूँ। तो